नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे पत्ता गोभी के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, फिर से आपका स्वागत है हमारे कृषि जागरण चैनल में। आज हम बात करेंगे बंद गोभी के बारे में। इसकी फसल किस प्रकार से लगाई जाती है और इसका क्या क्या उपयोग में लिया जाता है, देखिए इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बंद गोभी की। बंद गोभी की फसल किस प्रकार से लगाई जाती है, आज हम बताएंगे इसकी पूरी जानकारी। इसकी पौध की बात की जाए तो इसकी पौध नर्सरी के जरिए तैयार की जाती है, उसके बाद इसे अलग अलग रोपा जाता है। इसकी पौध तैयार होने की बात की जाए तो 15 से 38 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाती है। अगर हमारे किसान भाई पत्ता गोभी की फसल करें तो इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पत्ता गोभी खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। इसकी फसल तैयार होने की बात की जाए तो 75 से 80-90 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है। पत्ता गोभी देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। इसको लगाने की बात की जाए तो इसे बीज के जरिए नर्सरी में लगाया जाता है। 15 से 18 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाती है, उसके बाद हमारे किसान भाई इसे चाहें तो अलग अलग अपने खेत में लगा ले। 80 से 90 दिन में इसकी फसल उग के तैयार हो जाती है। इसकी अच्छी फसल की बात की जाए तो इसे सर्दियों में लगाना चाहिए, जिससे इसकी फसल बहुत ही बढ़िया व उपजाऊ होती है। इसकी मार्केट की कीमत की बात की जाए तो लगभग 60 रुपये किलो प्रति किलोग्राम है। अगर हमारे किसान भाई इसकी खेती करें तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी और बात की जाए तो इसे 12 से 23 डिग्री सेल्सियस में लगाना चाहिए, जिससे इसकी फसल बहुत ही अच्छी व उपजाऊ होती है। देखने में यह काफ़ी खूबसूरत व गोल होती है। अगर हमारे किसान भाई इसकी फसल गर्मियों में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई इसकी फसल गर्मियों में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।